हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? चकाचक हो एकदम, भरंट कतई जोरदार, खींच रखी है मीटर, पढ़ रहे हो? जो तो पढ़ा दिए तो पढ़ लिया कम से कम। एमसीक्यूज के थ्रू राजस्थान चल रहा है अपना यहाँ पे, वो भी सब फ्री के अंदर। क्लास इसकी स्टडी पिलर ऐप पे हो ही जाती है, उसके एमसीक्यू सबके लिए प्रोवाइड है। तो मारवाड़ का राजवंश चल रहा है अपना, जोधपुर फिनिश हो गया है, बीकानेर भी आज अपन फिनिश करते हैं। वैसे करके मारवाड़ राजवंश, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ भी हो जाएगा, फिर अपन चौहान राजवंश शुरू करते हैं। ठीक है, पर चला आ गए भाई। पिछली कक्षा के अंदर अपन ने अनूप सिंह जी तक तो कर लिया था ना, अनूप पुस्तकालय बनवाया, अनूप विलास, अनूप ये, अनूप वो, है ना। अब अनूप सिंह जी के आगे जो आए उनके बारे में देख लेते हैं फौरी नजर से एक बार। ज्यादा जो भी हैं, जितने इंपॉर्टेंट है सबके ऊपर, जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर एक दो सवाल बनते हैं। गज सिंह थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट, गंगा सिंह, तो गंगा सिंह के ऊपर थोड़े ज्यादा सवाल बन जाते हैं, है ना। थोड़े ज्यादा ले लिया अपन ने। ठीक है, चले आगे। चलो तो चलो, तो बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने हुड़ा सम्मेलन 1734 ईस्वी में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया? हुड़ा सम्मेलन 1734, अध्यक्षता की थी किसने? जगत सिंह सेकंड ने। लेकिन बीकानेर की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, बताओ जरा। जोरावर सिंह, अनूप सिंह, सूर सिंह या गज सिंह, किसने किया था? जोरावर सिंह के टाइम पे एक यही घटना घटित हुई थी जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर पूछे भी तो वो यही है। ठीक है, हुड़ा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, सॉरी, हुड़ा सम्मेलन का बीकानेर की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है वो जोरावर सिंह ने किया था। इस प्रश्न को ऐसे भी घुमा के देख सकते हैं कि हुड़ा सम्मेलन के दौरान बीकानेर के शासक कौन थे, तो जोरावर सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चले आगे। निम्न में से कौन अपने क्रम के बीकानेर के प्रथम शासक हुए जिन्होंने मुगल बादशाह आलमगीर से अनुमति पाकर अपने नाम के सिक्के डाले? प्रश्न समझ में आ गया? यानी कि इनमें से ऐसे कौन है जिसने अपने क्रम के अंदर, अपने क्रम का मतलब इनसे पहले बहुत लोग आ चुके हैं जब इनका नंबर आया। ठीक, जैसे मान लीजिए पंक्ति के अंदर इनका पहले शासक के बाद में इनका नंबर आता है 15वां, तो उस एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल बता। ठीक है, तो कौन से शासक ऐसे हैं जो अपने क्रम के अंदर पहले शासक थे, यानी कि उससे पहले के शासकों ने कोई किसी ने नहीं किया, एक जिन्होंने अपने नाम के सिक्के डलवाए? प्रश्न है ये, बात समझ में आ गई है? यानी कि इनसे पहले के शासकों ने किसी ने ये काम नहीं किया, इन्होंने एक पहली बार काम किया था अपने क्रम के। बीकानेर के कौन से शासक थे ऐसे जिन्होंने अपने नाम के सिक्के डलवाए थे? जोरावर सिंह, अनूप सिंह, सूर सिंह या गज सिंह? तो मैंने कहा जोरावर सिंह जी का तो क्या एक ही काम हुआ था जो देख लिया अभी, हुड़ा सम्मेलन। अनूप सिंह जी को पहले पढ़ ही चुके हैं अपन, तब अपन ने किया ही नहीं इसके बारे में, ये भी नहीं है। सूर सिंह जी को भी छोड़ दो, ये गज सिंह जी थे। गज सिंह जी दो हैं, जोधपुर के भी गज सिंह जी हैं, है ना, एक ये गज सिंह जी हैं। बहुत लंबी चौड़ी उपाधि मिली थी इनको, देखते हैं देखें अभी कौन सी उपाधि है इनकी। इनका जब टाइम आया तब मुगल जो साम्राज्य वो भी बिखर गया था, है ना। औरंगजेब के बाद में कोई शासक ढंग का आया नहीं जिसने मतलब एक केंद्रीय सत्ता को बना के रखा हो। बाद में फिर सब सारे कमजोर शासक हुए, तो ये भी उसी के टाइम पे थे। ठीक है, आगे चलें, ध्यान रखना है इसको, है ना। ये देखो लंबी चौड़ी उपाधि है, श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह। उपयुक्त उपाधि किसकी? बड़ी आसान सा सवाल है, इस नाम के अंदर ही जो उपाधि उसके अंदर ही नाम लिखा हुआ है, किसकी उपाधि होगी? श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह। जोरावर सिंह की उपाधि नहीं है, अनूप सिंह की नहीं है, सूर सिंह की भी नहीं है, तो किसकी होगी फिर? गज सिंह की होगी, गज सिंह का नाम लिखा हुआ है सब साइड के अंदर। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी, आसान सा सवाल था ये। आगे देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से किसने
1805 ईस्वी के अंदर बटनेर का दुर्ग अधिकार करके उसका नाम हनुमानगढ़ रखा। हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर का दुर्ग बट्टियों द्वारा बनाया गया, काफी सुदृढ़ किला था ये, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं इसको। तो 1805 के अंदर इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया और फिर इसका नाम जो है हनुमान जी के नाम पे हनुमानगढ़ रखा। आज भी उस जिले का नाम भी हनुमानगढ़ ही है और इस किले को भी हनुमानगढ़ का किला ही कहते हैं, ठीक है ना। नाम थोड़ा बदल गया लेकिन शुरुआत से ये बटनेर का किला के नाम से जाना, ठीक है। तो ये किसने करवाया था काम, ये जोरावर सिंह, अनूप सिंह, सूर सिंह, सूरत सिंह। ऑप्शन बड़े क्या है, क्लोज से हैं, आसान से हैं, लेकिन अभी लग रहे हैं क्योंकि अपन फ्लो में चल रहे हैं, है ना, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में इस तरह के आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। फिर मैंने ऑप्शन भी क्या आपको इसी तरीके से बना के दें कि इजीली आप थोड़ा सा कैच कर सको। जोरावर सिंह को काट दो, अनूप सिंह जी को भी काट दो, सूर सिंह जी को भी काट दो, सूरत सिंह जी, ठीक। सूरत सिंह ने बटनेर के किले पर अधिकार करके उसका नाम हनुमानगढ़ रखा था, जो वर्तमान नाम हनुमानगढ़ है। ये बीकानेर के शासक सूरत सिंह का दिया हुआ नाम, ठीक है, सही लगी बात। चले आगे, वर्तमान के अंदर जो करणी माता का मंदिर है देशनोक के अंदर, तो वर्तमान जो करणी माता का मंदिर है, एक तो मूल मंदिर हो गया, मूल मंदिर के ऊपर प्रश्न किया था अपन ने, एक वर्तमान मंदिर है, तो वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया। मूल मंदिर के अंदर मंदिर छोटा था, मूर्ति तो आज भी वैसी की वैसी है लेकिन इतना बड़ा प्रांगण नहीं था उसका, तो मूल मंदिर का निर्माण तो राव बीका जी ने करवाया था, है ना, बीकानेर के राव बीका ने। ऐसा ही माना जाता है कि करणी माता की कृपा से ही उन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की, तो मूल मंदिर तो राव बीका का बनाया हुआ। अभी जो वर्तमान मंदिर है ये किसका बनाया हुआ, कौन है वो, जोरावर सिंह, अनूप सिंह, सूर सिंह, सूरत सिंह, सेम ऑप्शन है पहले वाले। जब ऑप्शन सेम है तो क्या आंसर भी सेम होगा क्या, है बिल्कुल आंसर भी सेम होगा, ध्यान रखना इसको। सूरत सिंह जी को एक तो इन्होंने क्या किया, हनुमानगढ़ नाम रखा बटनेर के किले का, दूसरा इन्होंने जो करणी माता का वर्तमान मंदिर है उसका निर्माण कर, ठीक है ना, वर्तमान मंदिर इंपॉर्टेंट बात यह है। यहां पे अगर मूल मंदिर आ जाए तो राव बी का, वर्तमान आ जाए तो सूरत से। क्लियर है बात, बैठ गई खोपड़ी में, चले आगे। चलो तो चलो, निम्न में से किसने 1844 ईस्वी के अंदर बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आण यानी कि शपथ जारी की। जब ये अपने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने कहा था इस आदमी ने अच्छा काम किया ये। पहले तो क्या है, इन्होंने सभी राजपूतों को गया के अंदर, बिहार में जो गया जगह है, बिहार की गया जगह के अंदर, वहां पे सभी राजपूतों को अपनी कन्याओं का वध ना करने की शपथ दिलाई थी, कन्यावध नहीं करने की शपथ दिलाई। फिर इसी को क्या है, इन्होंने अपने राज्य के अंदर एक आदेश के रूप में जारी कर दिया। अच्छा काम किया था इन्होंने, है ना, लड़कियों की जो हत्या है आज भी होती है उसको बैन करने का काम किया था बीकानेर के अंदर। इन्होंने शपथ दिलाई कि तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, कसम खाओ। तो इन्होंने कसम डलवाई थी सभी लोगों को, ना सिर्फ पहले तो राजपूतों को करवाई, फिर उसके बाद के अंदर जनता को भी बोला। अच्छा काम किया इन्होंने, अच्छा काम किया तो पूछा जाना चाहिए, तो कौन है वो 1844 ईस्वी के अंदर बीकानेर में कन्यावध को रोकने के लिए इन्होंने एक शपथ जारी की, प्रतिज्ञा जारी की, ऐसे मान सकते। कौन थे, अनूप सिंह, सूर सिंह, सूरज सिंह, रतन सिंह। अब ऑप्शन चेंज हो रहा है, देखो अनूप सिंह नहीं है, सूर सिंह नहीं, अब या तो सूरज सिंह में से होंगे या रतन सिंह में से होंगे। तो सूरज सिंह जी के तो मैंने कहा दो काम है, एक करणी माता का वर्तमान मंदिर और दूसरा हनुमानगढ़ का नाम। ये जो काम है रतन सिंह जी ने करवाया था सर, बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने काम करवाया था ये, बीकानेर के अंदर कन्यावध को रोकने के लिए एक आण यानी कि शपथ जारी करवाई थी। प्रश्न ऐसे पूछ ले कि किसने गया के अंदर सभी राजपूतों को अपनी कन्या का वध नहीं करने की शपथ दिलाई, तो वो भी रतन सिंह।
ठीक है, बीकानेर के, टाइम ध्यान रखो 1844। ठीक, मैं क्लास में कई बार बोल चुका था नामों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक ही नाम में कई शासक मिल जाएंगे। यही रतन सिंह आपको 1303 ईस्वी के चित्तौड़ में, जो चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ था वहां भी मिलेंगे, है ना, रतन सिंह नाम है उनका, ये महाराजा रतन सिंह है। ऐसे रतन सिंह कई शासक हुए रतन सिंह जी नाम के, तो ध्यान रखना इसको, है ना। आगे चले, राजस्थान के शासकों में वे एकमात्र शासक, ठीक, सिंगल बना दें एकमात्र, इंपोर्टेंट हो गया अभी एकमात्र होते ही। वो कौन था जिसने व्यक्तिगत रूप से अपने पर्सनल लेवल पे जाकर के 1857 की क्रांति का दमन में सक्रिय भाग लिया, यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा एकमात्र ऐसा शासक था जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको दबाने के लिए वो पर्सनली इन्वॉल्व हुआ था। वो एक ही आदमी था, बाकी ने तो क्या है सहायता के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन ये खुद पर्सनली चला गया दबाने के लिए, है ना। इसने तो सेना दिल्ली पंजाब हरियाणा तक भेज दी थी, बीकानेर के थे ये, कौन थे, रतन सिंह थे क्या, हो भी सकते हैं, सूर सिंह अभी तक तो नहीं हो रहे, और सूरज सिंह का अपने जिस फ्लो में अपन चल रहे हैं उस हिसाब से टाइम जा चुका है, लेकिन एग्जाम में ये चीजें ध्यान नहीं होती कि सब फ्लो में थोड़ी चल रहा होता, मेरी क्लास लेके थोड़ी ना एग्जाम देने जाओ। तो सूरज सिंह नहीं है, सूर सिंह भी नहीं है, रतन सिंह जी भी नहीं है, यह है सरदार सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए खुद पर्सनली इन्वॉल्व हुए थे। ठीक, इन्होंने अपना पर्सनल मैटर बना लिया एक तरीके से, अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे जी, कि साहब मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं करता हूँ, बाकी ने तो चलो गलत तो उन्होंने भी किया, सैनिक सहायता भी दी अंग्रेजों को, लेकिन ये खुद पर्सनली गए थे, तो उस बात का ध्यान रखना। कहाँ के थे ये, बीकानेर के थे। जब आप 1857 क्रांति पढ़ेंगे मॉडर्निस्ट मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री को, आधुनिक राजस्थान के इतिहास, तब उसको और डिटेल में कर लेंगे, लेकिन जब नाम आ गया वंशक्रम के हिसाब से अपन चल रहे हैं, सबको पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो इनको भी क्यों छोड़ेंगे, है कि नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, और क्या हो। चलो आगे सवाल देखो, किसके टाइम में प्रसिद्ध जो हमारी बीकानेरी भुजिया है ना, राजस्थान जाना जाता है, अमिताभ भी उसका ऐड करता है, अमिताभ बच्चन, बीकानेरी भुजिया जो है उसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी, सवाल है ये। सूरज सिंह, रतन सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह, बीकानेरी भुजिया की शुरुआत किसके टाइम पे, बीकानेर की प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ले का नाम तो बाद में आता है लेकिन बीकानेरी भुजिया सबसे ज्यादा फेमस है, अमिताभ की फोटो तक आती है उसके ऊपर। तो ये काम जो हुआ था, शुरुआत जो हुई थी बीकानेरी भुजिया की, डूंगर सिंह जी के टाइम पे, उस समय राजा ये थे, शासक ये थे बीकानेर। ठीक है, इतनी सी बात है बस, और कोई बात ही कोई नहीं। आगे चलो, निम्न में से कौन चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला लेकर चीन गया, निम्न में से कौन है जो चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा रिसाला लेकर के चीन गया था, और फिर इससे खुश होकर के अंग्रेज सरकार ने इनको मेडल शेडल भी दे दिया, देना ही था। गंगा रिसाला मतलब एक अपनी सैनिक टुकड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी सैनिक टुकड़ी, चीन के बॉक्सर विद्रोह दबाने के लिए। ये मैं बॉक्सर विद्रोह आपको करवा चुका हूँ, एमसीक्यूज में भी करा चुका हूँ, क्लास में भी करवा चुका हूँ, ठीक है ना, बता चुका हूँ आपको 1899 से 1901 या 2 के बीच में ये काम हुआ था चीन के अंदर, बॉक्सर विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था, फिर अंग्रेजों की 8 देशों की संयुक्त सेना बनी, फिर उन्होंने उस विद्रोह को दबा दिया, कत्लेआम मचाया, बहुत सारी क्रूरता बरती, तो उसका सहयोग दिया था इन्होंने गंगा सिंह जी ने। तो इसमें से कौन है साहब, गंगा रिसाला गंगा सिंह जी की होगी, तो रतन सिंह नहीं है, सरदार सिंह नहीं है, डूंगर सिंह नहीं है, ऑप्शन के अंदर है क्या गंगा सिंह जी, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक, क्योंकि सही आंसर क्या है, गंगा सिंह, गंगा रिसाला से गंगा सिंह। ये प्रश्न पूछा हुआ है, और इस तरह से नहीं पूछा, कुछ और घुमा फिरा के पूछा होगा, लेकिन कनेक्टेड यही था, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट वाले सवाल अपन करते नहीं, तुमने देखा होगा। चले आगे, चले भाई, तो आना तो बोल दिया करो। हाँ, 1913 ईस्वी में किसने बीकानेर में नाम मात्र के, 1913 ईस्वी में किसने बीकानेर में नाम मात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। अभी होने को तो राजस्थान, जो आधुनिक राजस्थान के इतिहास है वहां से, लेकिन
लेकिन फिर भी सवाल बनता है क्योंकि मैंने कहा क्रम से चल रहे हैं, जो आएगा उसको कर ही लेंगे। प्रजाप्रतिनिधि जो सभा है उसकी स्थापना किसने की थी? अभी दिख रहा है साफ साफ ये क्या है, प्रजाप्रतिनिधि, तो यानी कि डेमोक्रेटिक संस्था है, कोई लोकतांत्रिक संस्था है। 1913 की बात है, उस समय आंदोलन चल ही रहा था आजादी से रिलेट करता हुआ, है ना। हालांकि गांधी जी आए नहीं थे अभी तक, लेकिन इन्होंने प्रजाप्रतिनिधि सभा की स्थापना की। कांग्रेस थोड़ी सक्रिय थी, उदारवादी और उग्रवादी दो धड़े बटे हुए थे इनके। बहरहाल तो उसकी स्थापना बीकानेर के अंदर भी की गई ताकि लोगों को कुछ अधिकार दे सके। तो कौन थे? रतन सिंह, सरदार सिंह, डूंगर सिंह, गंगा सिंह, ये थे गंगा सिंह। अब मैं आपको बोल चुका हूँ पहले भी, गंगा सिंह जो है उनका थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट है, उनके बारे में प्रश्न भी आते हैं, उनके बारे में जितने भी बनते हैं वो सारे कर लेंगे, ठीक, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है बार बार गंगा सिंह जी करे जा रहे हो, अरे भैया यही गंगा सिंह जी क्या करे। अब बात ये है कि प्रजाप्रतिनिधि सभा की स्थापना कर दी साहब इन्होंने 1913 के अंदर कर दी साहब। क्या औचित्य होगा इसका? लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार के लिए, स्वायत्ता के लिए। लेकिन गंगा सिंह जी वास्तव में ऐसे आदमी नहीं थे, गंगा सिंह जी एक नंबर के निरंकुश व्यक्ति थे। ये अंग्रेजों के साथ देने में लग रहे थे, उनको प्रसन्न करने में लग रहे थे, और जनता पे खूब इन्होंने अत्याचार बरता। जो आजादी के से संबंधित जो आंदोलन हुए उनको भी इन्होंने खूब दबाया। इस मामले के अंदर इनकी प्रवृत्ति निरंकुश थी। प्रजाप्रतिनिधि सभा की जैसी स्थापना जो है वो उन्होंने अंग्रेजों को खुश करने के लिए थी, देखो मैं भी लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता हूँ। ऐसे छोटी मोटी अदालत भी बना दी इन्होंने न्याय दिलाने के लिए लोगों को, लेकिन कभी काम नहीं हुआ उसके। तो ऐसे करके इन्होंने नाम मात्र का अधिकारी जो लिख दिया ना, नाम मात्र का, अगर ये ना भी लिखे तो भी समझ लेना कोई खास बात नहीं, ठीक है। प्रजाप्रतिनिधि सभा 1913 के अंदर गठित हुई, किसने करी थी? गंगा सिंह ने करी थी। कहाँ करी थी? बीकानेर में करी थी, ठीक है। आगे चले, चलो तो चलो। अब गंगा सिंह जी के बारे में आपको चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस टाइप का सवाल फेवरेट है आरपीसी का भी और अपने अधीनस्थ बोर्ड का भी। उस तरह का सवाल पूछते हैं, चार स्टेटमेंट में से गलत पूछते हैं कि बताओ इनमें से गलत कौन सा। तो बीकानेर के गंगा सिंह के बारे में आपको बताना कि इसमें से असत्य कथन यानी कि गलत कथन जो है वो कौन सा। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला वाला ए है, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर उसने अंग्रेजों के सभी प्रकार की सहायता की। सही है क्या बात है? पता नहीं भाई, तुम बताओ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए वारसाय के शांति सम्मेलन में भी इसने भाग लिया। बड़ा कलाकार आदमी था, देश विदेश के दौरे करता रहता था। क्या ये बात सही है क्या? तीसरी बात, देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में गंगा सिंह ने राष्ट्रमंडल के सम्मेलन में भाग लिया, कॉमनवेल्थ है, नेशन ऑफ कॉमनवेल्थ, देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप गंगा सिंह ने राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लिया। क्या ये बात सही है क्या? आखिरी बात, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ बना था उसकी अध्यक्षता की थी। क्या ये बात सही है क्या? काम तो बड़े जोरदार जोरदार किए थे इन्होंने, घूमने फिरने का बहुत शौक था इनको, ये चाहते थे बस मेरा नाम ही चारों ओर बैठा रहे। इवन इन्होंने तो क्या है कि अंग्रेज अधिकारी थे बटलर बटलर करके 1927 के अंदर, तो रिपोर्ट रिपोर्ट बना रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, अधिकारों से संबंधित कुछ थी, देशी रियासतों से संबंधित। तो गंगा सिंह जी उसको बोले कि देख भाई ऐसा है, मैं हूँ बीकानेर का राजा और तुम हो अंग्रेज सरकार के नौकर, ठीक, अधिकारी होंगे होंगे, हो तो सरकारी नौकरी, तो क्या है कि मेरे को कुछ जो काम करवाना है ना वो तुमसे बात नहीं करूँगा, राजा तू राजा कॉन्टेक्ट होना चाहिए। यानी कि गंगा सिंह जी बात करेंगे किससे? ब्रिटेन के महाराजा से या महारानी से। राजा तो राजा कांटेक्ट होना चाहिए 1-to-1, ये बिचौलिए सरकारी आदमी से बात नहीं करता। तो मेरे को क्या है कि राजा को राजा की बराबरी का थोड़ा अधिकार मिले, मुझे डायरेक्ट बात करने का थोड़ा सा क्या रास्ता निकालो तुम। ऐसे आदमी थे ये, फुल एकदम औरे के अंदर रहता था, फुल टोरे के अंदर। हालांकि बटलर की बात मानी नहीं, बात अलग है, लेकिन फिर भी इन्होंने काम तो मतलब ऐसे है, घूमे फिरे तो बहुत थे ही। अच्छा, बंगाली साला भेज दी चीन के बक्सर युद्ध के अंदर, मेडल शडल ले लिए साहब है। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अंग्रेजों की खूब सहायता करी थी, बात सही है। इसके बाद के अंदर क्या हुआ, जब पहला विश्व युद्ध हो गया तो शांति के लिए एक सम्मेलन बोला, उसकी वारसाय की शांति संधि थी, पेरिस की भी हुई, वारसाय की, वारसाय के नाम से बहुत सारी संधियां हो रखी। तो पहले विश्व युद्ध से संबंधित बात है, इसमें लिख रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वारसाय की संधि हुई उस वारसाय की शांति सम्मेलन के अंदर भी ये क्या भाग लेने गए थे,
बिल्कुल गए थे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो साहब, कोई बात नहीं, लड़ लीजिए लड़ लीजिए। अब सीधी सी बात है कि ये किसका साथ देने के लिए गए होंगे, ब्रिटिशों का और ब्रिटिशों के मित्रों का, तो ये स्टेटमेंट भी सही है बात, ठीक है ना। ये इंडिविजुअली प्रश्न में आ सकता कि निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के बाद वारसाई की शांति सम्मेलन में भाग लेने गया था, राजस्थान का कौन सा राजा था, गंगा सिंह जी थे ये, ठीक। और इसके बाद में देशी राज्यों की जो प्रतिनिधि के रूप में ये गंगा सिंह जी जो है राष्ट्रमंडल का जो सम्मेलन हुआ कॉमनवेल्थ का, उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था, ये भी बात सही है, ठीक। ये विदेश मंत्री बनते तो सही रहते, इन्होंने भी इन्होंने भाग लिया, देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। राष्ट्रमंडल ये एक तरीके से जो ब्रिटेन के अधीन जितने भी देश थे उन सबका एक संघ था, और आजाद होने के बाद में सबको स्वतंत्रता दी गई कि आप चाहो तो मिलो चाहे तो मत मिलो, इसके सम्मेलन का सदस्य होना किसी भी तरह की अधीनता नहीं माने गए। तो आज भी भारत सदस्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटेन जो है उसको उसको मानते हैं ऐसा कि हम उसके अधीन हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं उसकी शुरुआत की जाती है वो ब्रिटेन की महारानी करती परंपरा के हिसाब से। लेकिन ये एक देशों के बीच में जो संबंध बनाने का एक मंच है, गेम्स के मामले में ज्यादा है ये, इसको इस तरह से समझना नहीं चाहिए। नेहरू जी ने भी कई बार बोला है इस बारे के। तो बहरहाल तो ये क्या है, राष्ट्रमंडल जो है उस सम्मेलन के अंदर भी भाग लेने गए थे, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब ये चौथा तो बिना पढ़े गलत कर दो। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसको कैसे आप करें, अगर पता नहीं हो आपको कैसे करोगे। देखो प्रथम विश्व के बाद में राष्ट्र संघ बना, लीग ऑफ नेशन बना, तो सभी देशों के बीच में शांति का सुलटारा करता है। 1920 के अंदर फर्स्ट बैठक हुई थी इसकी, और इसके अंदर बनाने के अंदर जो है अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी कूद का दिया था, बहुत सारा कर्जा दिया था इन्होंने इंग्लैंड वगैरह को, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो स्थिति थी ब्रिटेन की वो बहुत धनी देश के रूप में थी। सेकेंड युद्ध के बाद के अंदर अमेरिका ने उनको इतना कर्जे में डाल दिया, ऐसे मान लो इतनी मदद कर दी उसकी कि उसके बोझ कितने दब गए, और दूसरे विश्व युद्ध के आते आते अमेरिका की जो स्थिति है वो ज्यादा मजबूत हो गई। तो एक सोचने वाली बात है कि जिस देश ने जैसे ब्रिटेन ने लगभग लगभग सभी दुनिया पे हुकूमत की, उसकी आज वो इतना इतना ताकतवर क्यों नहीं है जितना कि दूसरे देश जैसे अमेरिका है, उसका रीजन यही है। कभी और पढ़ेंगे विश्व इतिहास का, जब मौका आएगा कभी तब देखेंगे इसको। तो राष्ट्र संघ की अध्यक्षता कही जा रही है, राष्ट्र संघ का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस जर्मनी इटली ये सारे के सारे बैठे हैं शांति करने के लिए, और उसके अंदर क्या गंगा सिंह जी बैठे हैं अध्यक्ष बन करके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, है ना। तो ऐसे करके इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे रॉन्ग कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। क्लियर है बात, चलो आगे। अब निम्न में से कौन नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष बना, नरेंद्र मंडल क्या है साहब, नरेंद्र मंडल वो है ये जितने भी क्या राजा महाराजा थे ना अंग्रेजों के टाइम पे, संधियां तो उन्होंने कर ही ली थी, काम धाम कुछ करते नहीं थे, है ना, पेंशन पेंशन वो थोड़ी बहुत मिल जाया करती थी, और अंग्रेजों को ये पैसे चुकाते रहते थे, सुरक्षा हो जाती थी, लड़ाई झगड़े बंद हो गए थे, अभी साथ देने के लिए आया तो अंग्रेजों के साथ देते थे लड़ाई वड़ाई करके टाइम पे, है ना, या फिर ये क्या है पूरी राठौड़ी निकालते थे। तो इन्होंने क्या है, सभी देशी राज्यों ने एक देशी राज्यों में एक संघ बनाया था जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम कौन, ब्रिटेन का प्रिंस, ठीक है। उस समय तो भारत गुलाम था, तो बहुत बड़ा आदमी हुआ था हमारे लिए। तो ये उसने क्या है, जितने भी देशी रियासत थी ना उनका एक एक तरीके की यूनियन बनाई, ठीक है ना, या एक तरीके का एक मंच प्रदान कर दिया जिसमें सारे लोग आकर के बात कर सकें, और कभी बात करनी है तो डायरेक्टली बोल सकें, किसको, ब्रिटेन के राजा को, ब्रिटेन के प्रिंस को। इसकी साल में एक बार बैठक ऐसी जरूर होती थी जिसके अंदर वो खुद भी सम्मिलित होता था, कौन, ब्रिटेन का प्रिंस सम्मिलित होता था, ठीक है। तो उसमें 1-to-1 कॉन्टेक्ट बन सकता था, इसके अलावा कमिटीज के माध्यम से काम करते थे। कुल मिला के ये पूरे जो सामंतवादी मानसिकता के लोग थे राजा महाराजा टाइप के, उन सबका एक संघ था ये, ठीक है ना। देखो राजा महाराजा जो है वो आप देख लो कि अंग्रेजों से पहले पहले कुछ हुए तो हुए ढंग, उसके बाद में एक तरीके से काम तो किया उन्होंने, लेकिन वो अपनी प्रजा के हित में कम और खुद के लिए ज्यादा है ना।
तो ये था नरेंद्र मंडल। अब इस नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था साहब 1921 के अंदर, पहली बैठक हुई थी। 1921 से लेकर के 1926 तक कई किताबों में 25 भी लिखा जाता है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, 26 है। तो 1921 से लेकर के 1926 तक इसके जो पहले अध्यक्ष रहे पूरे नरेंद्र मंडल के, सभी राजाओं का जो सिस्टम रहा उसकी अध्यक्षता जो करते थे, है ना, वो कौन करते थे? वो करते थे साहब हमारे गंगा सिंह जी। ना गंगा सिंह जी बड़े कलाकार आदमी थे, काम तो बदेरे किए उन्होंने, क्या ना विदेश मंत्री बन जाते तो सही रहते। बहरहाल विदेश मंत्रालय तक आते आते तो इनका क्या है कि ध्यान क्यों लिया था आजादी मिलते मिलते। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष को, कि ये सिर्फ राजस्थान का नहीं था, ये ऑल ओवर इंडिया का था नरेंद्र मंडल। इसमें काफी सारे जो रियासतों के राजा हैं वो सब सम्मिलित थे। ऐसी संस्था का अध्यक्ष होना एग्जाम की दृष्टि से पूछने योग्य बन जाता, ठीक है। तो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गंगा सिंह जी थे। किस राज्य ने की थी अध्यक्षता? राजस्थान ने की थी। कहाँ के थे साहब? बीकानेर के थे। कब से कब तक की? तो 21 से 26 तक, ठीक है, ओके, क्लियर है मामला। निम्न में से किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन आंदोलन चल ही रहा था हमारा स्वतंत्रता से रिलेट करता हुआ, ठीक है सर। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले तो ऐसा ही आंदोलन चला 1919 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, दो बार में चला था ये। तो इसी दौरान क्या है कि भारत के अंदर जो स्वायत्तता की मांग है, डोमिनियन स्टेट्स की मांग है, अपने संविधान की मांग, वो जोरों पकड़ने लगी थी। तो इसको समस्या का समाधान करने के लिए, समाधान तो क्या करने के लिए, फूट डालने के लिए, मानो ब्रिटेन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ये एक टेबल है, इसके चारों ओर क्या लोग बैठे रहते हैं, इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोल देते हैं। तो राउंड मतलब गोल, टेबल मतलब मेज, तो गोल मेज सम्मेलन हो गया ये। तो इसके अंदर गांधी जी भी गए थे, गांधी जी ने एक तीन को हुए थे ये 1930, 31 और 32, ठीक है। गांधी जी जो क्या है सेकंड के अंदर ही हिस्सा लिया था, बाकी में हिस्सा लिया नहीं था इन्होंने, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो गांधी जी गए थे, लेकिन गांधी जी सेटिस्फाई नहीं हुए, गांधी जी आ गए। और अंबेडकर जी महोदय थे, उन्होंने भी तीनों में से भाग लिया था। अब क्या है, राजस्थान के ऐसे कौन से राजा हैं साहब जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? क्योंकि इसके अंदर देशी रियासतों का प्रश्न भी तो उठना ही था, क्योंकि इन्होंने तो अंग्रेजों संधि कर ली थी, डायरेक्टली ब्रिटिश नियंत्रण में तो नहीं थे लेकिन ब्रिटिशों के अधीन थे। दो पार्ट में डिवाइड था बेसिकली मोटा मोटा, एक तो देशी राज्य और दूसरा ब्रिटिशों के अधीन। तो गंगा सिंह जी ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया, ठीक है। देखो वारसाई सम्मेलन जो हुआ, शांति सम्मेलन, उसमें भाग ले लिया इन्होंने, नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष बन गए, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अंग्रेजों को खूब सहायता करी इन्होंने। कॉमनवेल्थ का जो सम्मेलन हुआ, राष्ट्रमंडल का सम्मेलन हुआ, उसके अंदर देशी राज्यों के प्रतिनिधि बन के गए, तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग ले लिया इन्होंने। बॉक्सर युद्ध जो हुआ उसके अंदर गंगा रिसाले लेके चले गए ये, और तो और जो गंगा नहर लेके आई है, ना गंगा नहर, गंगानगर बसाया, वो भी क्या है गंगा सिंह जी का ही बसाया हुआ। गंगा नहर भी यही लेके आए थे, इससे क्या है सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था उसको पूरा किया, ये काम इन्होंने डंका किया, ठीक है साहब। चलो आगे चले। निम्न में से किसको बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया? अब ये जो है, ये अपना जो स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक जनजागृति है, उस टॉपिक से रिलेट करता हुआ सवाल है एक तरीके से, ठीक है। अब मैंने कहा कि गंगा सिंह जी एक नंबर के निरंकुश शासक थे, ठीक है। तो बीकानेर दिग्दर्शन करके एक पंपलेट छापा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, बीकानेर दिग्दर्शन। इसके अंदर क्या है, जो कुप्रशासन था बीकानेर के अंदर उसकी आलोचना की गई थी। तो जिन्होंने जो सम्मिलित थे उन सबको पकड़ करके गंगा सिंह ने गिरफ्तार करवा दिया, एक कानून जारी कर दिया जिसमें ऐसा ऐसा काम करना राजद्रोह माना गया, और उसके तहत क्या है कि साहब राज्य के खिलाफ, बीकानेर राज्य के खिलाफ आप लोग षड्यंत्र कर रहे हो, राजद्रोह कर रहे हो, और वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो किन को गिरफ्तार किया गया था प्रश्न ये, तो ये बंदे थे स्वामी गोपालदास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सराफ, और एक सराफ और थे खुशबू या खुश खा करके सराफ करके, तो ये तीनों ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है।
बीकानेर षड्यंत्र केस के अंदर इन तीनों का ही नाम था, तो इन तीनों को गिरफ्तार करवा दिया था किसने? गंगा सिंह जी ने करवाया। ठीक है, निम्न में से किसे 22 जुलाई 1942 आ रहा, देखो 5 साल बाद में आजादी मिलने वाली है, 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद, ये जब हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन वगैरह तो करेंगे इसको, लेकिन मैं फिर वही वाली बात आ रहा, संदर्भ तो करने में क्या दिक्कत है। तो बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना करने पर बीकानेर राज्य से निष्कासित कर दिया गया था, किसको निष्कासित किया गया? वो स्वतंत्रता सेनानी थे ये, तो क्या है कि इन व्यक्तियों ने बीकानेर प्रजा परिषद करी और गंगा सिंह जी के अंडर में स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव रखा कि साहब इसके अंदर क्या है, बीकानेर प्रजा परिषद के जो संभालेंगे अध्यक्ष था गंगा सिंह जी, आप ही करना महाराज, आप ही करना, लेकिन क्या है आप ही के अधीन लेकर के हम स्वायत्तता की जो है उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। गंगा सिंह जी को समझ में नहीं आई बात, ये बोले सही बात है, मेरे को पागल बना रहे हो, मैं खुद इन चीजों के खिलाफ हूँ, तो तुम मुझे अध्यक्ष बना करके स्वायत्ता वायत्ता क्या कहे, कोई स्वायत्ता फायत्ता नहीं, तो पकड़ करके इस आदमी को देश से निकाल दे दिया। देश निकाला का मतलब बीकानेर राज्य से बाहर निकाल, लतड़ी पार कर दिया इसको, घुस मत जाना यहाँ, घुसते पकड़ के कैद कर लेंगे तुमको। तो कौन थे वो? स्वामी गोपाल दास, चंदनवल बहेड़, सत्यनारायण सराफ नहीं थे, ये रघुवर दयाल थे। रघुवर दयाल को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना करने पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने देश निकाला दे बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो तो आगे चलो। अब आपके सामने दो चीजें, एक कथन है, एक कारण। ये तो रहा स्टेटमेंट, ये रहा उसका कारण। ठीक साहब, मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी, सिंपल, या मेरी इच्छा हुई, तो कथन है खाना खाया, कारण है भूख लगी। ऐसे आपको क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कथन कारण, उसके आधार पे आपको जवाब दे। तो कथन तो ये रहा, स्टेटमेंट तो ये रहा साहब कि भारत छोड़ो आंदोलन का बीकानेर में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, ये तो कथन है साहब। क्यों पड़ा, कारण क्या था इसका? कारण ये है, महाराजा की दमन नीति बहुत कठोर थी, गंगा सिंह है ये, महाराजा की दमन नीति बहुत कठोर थी और तिरंगों को फहराना भी उस समय राजद्रोह माना जाता था। तो अब आपको बताना है कि क्या सही है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था, ए सही है, आर ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही आर गलत, आर सही है। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम के अंदर, स्पेशली आरपीएससी वगैरह में, तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कथन कारण से कम पूछते हैं, वो डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं, ए सही है, आर सही है, ये गलत है, वो गलत है। तो अब आपको बताना, जरा बताओ देखें, दोनों कथन सही है क्या, या ए सही है, या आर सही है, या फिर दोनों ही सही है, बताओ। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बीकानेर के जो शासक गंगा सिंह जी थे निरंकुश आदमी थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पड़ने देंगे क्या? नहीं पड़ने देंगे, बीकानेर में कैसे पड़ने देंगे? तो भारत छोड़ो आंदोलन का बीकानेर में कोई विशेष प्रभाव पड़ा ही नहीं था, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, स्टेटमेंट ये है, लेकिन कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह की दमन नीति बहुत ज्यादा कठोर थी, तिरंगे तक को फहराने के देशद्रोह समझा जाता था, इसलिए वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब किसी पर्टिकुलर जगह पे धारा 144 लगा देते हैं तो फिर वहां पे शांति वाली जाती है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, कर्फ्यू लग जाता है जैसे कोरोना में लगा था, लोग घर से बाहर नहीं निकले, तो एक तरीके का कंट्रोल कर दिया आपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो जनता आगे बाहर आती नहीं है, तो इनकी दमन नीति जो थी वो बहुत कठोर थी, इसी वजह से क्या है भारत छोड़ो आंदोलन का बीकानेर में इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ठीक है, राजद्रोह का सामना माना जाता, ये स्टेटमेंट सही है, तो ए क्या हो गया, गलत हो गया, आर क्या हो गया, सही हो गया, तो आंसर क्या हो गया, केवल आर सही। ठीक है सर, सही है बात, चले आगे। अच्छा, निम्न में से बीकानेर के किस शासक ने नोता न्यू तो देवा ने ब्याह को आपा, तो नोता विवाह के निमंत्रण पर टैक्स, यानी ब्याह शादी का है, शादी है, शादी के निमंत्रण दिया जाता है तो उस पर टैक्स लिया जाता था, बड़ी बहुत खराब हालत थी जनता की। और तख्तनशीनी की भांच, यानी कि जब कोई दूसरा राजा बनता है, शासक बनता है, उत्तराधिकारी के क्रम में आता है, उसे गद्दी पे बैठते जनता से टैक्स लिया जाता कि साहब राजा गद्दी पे बैठे हैं तो लाओ भेंट लेके। तो वो कौन था बीकानेर का शासक जिन्होंने नोता और तख्तनशीनी की भांच जो टैक्स है उसको समाप्त कर दिया,
अच्छा काम किया था इन्होंने, अच्छी बात लगेगी तो मार दो थोड़ा सा। तो इनमें से किसी एक आंसर के ऊपर मार दो, सही वाले पे। कौन था बीकानेर का शासक जिसने नौता और तख्तनशीनी की बांच जो कर है उसको समाप्त कर दिया? शार्दुल सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह, सरदार सिंह। गंगा सिंह जी तो नहीं होंगे, ये पहले आके चले गए। तो गंगा सिंह जी के बाद में शार्दुल सिंह जी क्या है, गद्दी पे बैठे थे। शार्दुल सिंह जी ने गद्दी पे बैठते ही इनके जो ये टैक्स वैक्स होना था, जो कर लेना था, तख्तनशीनी की भांज जो लेनी थी, इन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं, ये नहीं चाहिए, जनता को परेशान मत करो, अब जन देश आजाद होने वाला है, लोकतंत्र छा रहा है, तुम क्या ये फालतू की बातें करते हो, छोड़ो। और इसी तरह का कोई नोता पोता जो पुरानी जो परंपरा उसको खत्म करो, अब नया सवेरा है, नया दिन है, नए तरीके से काम, ठीक है। तो ये शार्दुल सिंह जी थे। शार्दुल सिंह ने किसे बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्र सभा के लिए मनोनीत किया? संविधान सभा बनी 11 सितंबर 1946 को, पहली बैठक बैठी, सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बने संविधान सभा के, तो उसमें रियासतों से भी प्रतिनिधि जाने थे, मामला यही था, क्योंकि जो काम हो रहा था एक्चुअली वो 1935 का एक्ट के अकॉर्डिंग ही हो रहा था, और उसमें ये लिखा हुआ था सब, और बाद के अंदर भी यही समझौता हुआ था कि क्या ब्रिटिश और देशी जो रियासतें हैं, देशी रियासतें चाहें तो ब्रिटिश भारत के अंदर मिल जाएं, चाहें तो वो अलग हो जाएं, चाहें तो वो पाकिस्तान में मिल जाएं, इनको तो पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी, तो भारत में मिलना था। एक दो अपने हनुमान सिंह जी थे, एक तो उन्होंने थोड़ा सा करा था नाटक जोधपुर वाले, बाकी तो सारा सेटल हो लिए थे। तो अब संविधान सभा की बैठक बनी, तो देशी जो राज्य है हमारे, वहां से प्रतिनिधि गए ही थे, है ना, 500 के आसपास थी देशी रियासतें जब देश आजाद हुआ था, छोटी बड़ी मिला करके। तो बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में शार्दुल सिंह जी ने किसे भेजा था संविधान जो सभा बैठी थी उसके अंदर, संविधान निर्मात्र सभा? जयनारायण व्यास को, के एम पणिकर को, अर्जुन लाल सेठी को, मोल्ला सुखाड़िया, किसको भेजा था? अब आप लगाओगे जयनारायण व्यास, है ना, लेकिन ये जोधपुर से संबंधित है, ये इनको तो उन्होंने भेज दिया था, पहले वाले आदमी ने भेज दिया था जयनारायण व्यास को। अर्जुन लाल सेठी का कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे भी, ठीक है। मोल्ला सुखाड़िया का उदयपुर से लेना देना है, तो एनिमिलेट कर दो तीनों को। ये के एम पणिक्कर थे, के एम पणिक्कर को बीकानेर रियासत की तरफ से संविधान सभा, संविधान निर्मात्र सभा में बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में शार्दुल सिंह जी ने भेजा था। क्लियर है बात? किसने भेजा? शार्दुल सिंह जी ने किसको भेजा? के एम पणिक्कर को। कहाँ भेजा? संविधान निर्मात्र सभा के अंदर। किस काम के लिए? बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि के मनोनीत करके भेजा, ठीक है। आगे चले, राजस्थानी शासकों के अंदर, है ना, किसने सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि भारतीय संघ के अंदर मिलने वाला जो पत्र था उस पर साइन किसने किए थे? मैंने बताया आपको, जब देश आजाद हुआ तो 500 से ज्यादा रियासतें थी, और तीन ऑप्शन थे उनके पास, या तो खुद स्वतंत्र हो जाए, या भारतीय संघ में मिले हो जाए, या फिर वो पाकिस्तान में मिल जाए। तो उस समय अपने पटेल साहब, वी एन राव साहब, इन्होंने खूब मेहनत कर पुरा करके सबको एक जगह इकट्ठा किया, तीन रियासतों ने बाद में बड़ी सिरदर्द पर थे, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद इन दोनों को सेटल कर लिया जम्मू कश्मीर को, क्योंकि उसका जो हाथ था एक्चुअली उसके अंदर सेटलमेंट के अंदर पटेल साहब इन्वॉल्व नहीं थे, हमारे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री वो इन्वॉल्व था। बहरहाल तो इस तरह से क्या है, साइन करवा लिए जाते थे ऐसे कि साहब हाँ मैं क्या भारत के अंदर सम्मिलित हो रहा हूँ, भारतीय संघ के अंदर, रियासत प्रियासत आसल लोकतंत्र वाला काम होगा, राजा रानी साहब मामला खत्म, ठीक। तो कौन थे साहब वो पहले? शार्दुल सिंह थे, हनुमंत सिंह थे, भूपाल सिंह थे, किशन सिंह। भूपाल सिंह जी मेवाड़ से, हनुमान सिंह जी जोधपुर से, शार्दुल सिंह जी बीकानेर से थे, तो सारे समकालीन एक दूसरे। तो शार्दुल सिंह जी जो थे उन्होंने बहुत लिबरल आदमी थे शार्दुल सिंह जी, कहा मैंने आपको इन्होंने बैठते गद्दी के ऊपर इन्होंने दो चार टैक्स वैक्स थे वो खत्म कर दिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या है कि लाओ 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 लाओ, बोले पहली फुर्सत में लाओ, मैं साइन करता हूँ सबसे पहले, इसमें क्या तीन पाँच है, भारत का यंग है, भारत में मिलेंगे, उसमें क्या है। तो शार्दुल सिंह जी ने भारत राजस्थान के अंदर पहले शासक थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, पहले आदमी थे, ठीक है।
शार्दुल सिंह, ठीक है सर। और इसी तरह से शार्दुल सिंह जी जब राजस्थान का पुनर्गठन हो गया, पहली सरकार बन गई, तो फिर ये बीकानेर के अंतिम शासक थे। इसके बाद कोई मतलब नहीं था क्योंकि कंप्लीट पूरा एक देश का हिस्सा बन चुका था, तो कोई किसका राजा, कोई किसकी प्रजा, है ना। लोकतंत्र स्थापित हो गया था जी, अभी भी चल ही रहा है, गिरते पड़ते कैसे भी करके, तो ये अंतिम शासक बने ही है, ठीक है। ऐसे करके हमारा यहाँ पे शार्दुल सिंह जी के बाद में बीकानेर का जो इतिहास है राठौड़ वंश, वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एंडिंग लगाओ, खत्म हो जाता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे क्या, चौहान। चौहान में कहाँ से शुरू करेंगे, शाकंभरी से शुरू, ठीक है, सही है बात। तो अब यहां तक पहुंच गए हो तो कुछ ना कुछ तो पसंद आया ही होगा, लाइक शेयर कर दो और क्या है, ठीक है। पढ़ते रहो, जितना पढ़ाया उसको याद करो, रिवीजन करो, तैयारी करो, डट करके एकदम लट रोप करके पास हो जाओ परीक्षा, ठीक। बस मिलते हैं अपने अगली कक्षा के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।